हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं अरिजीत है फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। आज वीडियो में जानने वाले AHE हो गया, डक्टेबल हो गया या फिर पैकेज AC हो गया, ये सब में जो हमारे ड्रिल लाइन में जो है यूट्रेप जो है क्यों बनाया जाता है, अगर यूट्रेप नहीं रहेगा तो हमें क्या क्या नुकसान होगा, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, ये वीडियो में पूरा डिटेल्स में हम AHE के पैकेज AC डक्टेबल के बारे में जानने वाले हैं, यूट्रेप सिस्टम के बारे में समझने वाले हैं, क्या प्रॉब्लम होता है, यूट्रेप क्यों बनाया जाता है। अगर आपको इसके बारे में मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो पूरा वीडियो देखिए, आपको जरूर जानने सीखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। हम आपके हेल्प के लिए कुछ आइडियाज बताने वाले हैं जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो सकता रहेगा। आप AC फ्रिज वाशिंग मशीन को सभी होम इक्वाइट पेमेंट रिपेयर करते हैं तो सबका आपको एक्स्ट्रा ऑनलाइन हम काम दिला सकते रहेंगे जिससे आपका बिजनेस ग्रो होगा, आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते रहेंगे। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपके हेल्प के लिए कुछ आइडिया हम बताने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और साथ में इस बेल घंटी को भी दबा दें जिससे और इसी तरह से हम वीडियो बनाए आप लोग पास भेज सके, आप लोग भी सीख सके, देख सके, आप लोग भी नए टेक्नीशियन लोग का हेल्प जरूर करें। AHE हो गया या डक्टेबल हो गया, पैकेज AC हो गया, कभी भी जो है हमारा इस सिस्टम में कई बार हमें देखने को मिला रूम में बास आ जाता है। उसका रीजन ये हो सकता है जब AHE का ब्लोवर जो AHE डक्टेबल से कुछ अभी ब्लोवर जब चलता है रनिंग करता है और ड्रेन जो रहता है ड्रेन पाइप रहता है ज़्यादातर सक्शन साइड में लगा रहता है, सक्शन साइड में रहने की वजह से हमारा जो एयर ब्लोवर जब चलता है तो ब्लोवर जो है हमारा सक करता है हवा को जो है ड्रेन के माध्यम से, पाइप जो सीधा रहता है स्ट्रेट रहता है जो ब्लोवर जो हवा जो सक करता है खींचता है हवा, तो बाहर की जो भी गंदा स्मेल आता है बैड स्मेल वगैरह रहता है वो हमारा AHE ब्लोवर के माध्यम से हमारे रूम में फैल जाता है। यानी कि आपका ये जो पाइप सीधा रहेगा तो उसमें आपका एयर खींचेगा, एयर जब बाहर से हवा खींचेगा एयर अंदर आएगा तो स्मेल भी आएगा, प्लस साथ में आपका जो इंडोर में जो इवेपरेटर में पानी जो जमा होता है ड्रेन में जो पानी जमा रहता है वो बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि बाहर की हवा को सक कर रहा है खींच रहा है उसका बहाव को ये रोक देता है। तो अंदर का जो भी ड्रेन वगैरह ड्रेन में रहेगा पानी वगैरह इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा होकर ओवरफ्लो करके लीक होता है, पानी लीक होता है। तो इसके लिए हमारा सेफ्टी के लिए यूट्रेप बनाया जाता है। अगर यूट्रेप नहीं रहेगा तो पानी हमारा सीधा रहेगा, पाइप खाली रहता है तो बाहर की हवा जो है हमारा अंदर खींचेगा और अंदर से जो ड्रेन में जो है पानी जमा रहता है ये बाहर नहीं जा पाएगा, ओवरफ्लो करके हमारा इंडोर में टपकेगा। साथ साथ में ही बाहर से कुछ कई बार सिस्टम हमारा बंद रहता है तो बाहर से जो हमारा कुछ कीड़े मकोड़े हो गए या फिर मच्छर या एग्जाम्पल कोई बैड स्मेल जो भी बाहर का गंदी गंदा हवा रहता है, क्योंकि ज़्यादातर हमारा ड्रेन का पाइप जो रहता है कोई बाथरूम में या किधर भी डाला जाता है उधर से बैड स्मेल जो रहता है खींच करके हमारे रूम में फैलाता है, ये सब नुकसान है हमारा सीधे पाइप के लगा रहते हैं। ये सब को सेव करने के लिए बचाने के लिए इसमें यूट्रेप बनाया जाता है। यूट्रेप में क्या होता है हमारा देख सकते हैं, यूट्रेप जो रहता है इसके अंदर पानी हमारा होल्ड होता है, पानी रुकता है, जिसके वजह से AC ब्लोवर चालू रहेगा चलेगा तो बाहर की हवा जो है सक नहीं कर पाएगा, खींच नहीं पाएगा और पानी जो ओवरफ्लो होगा पानी भरेगा तो साथ साथ में यहाँ से अपना कंट्रोल करके पानी बाहर यहाँ से कंटिन्यू निकलता रहेगा, पानी का एयरफ्लो को एक रुकआउट नहीं कर पाएगा, रुक नहीं पाएगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी यूट्रेप बना रहेगा। और कैसे जाता है, जो हमारा ब्लोवर आता है जो हवा जानता है हवा के प्रेशर से ही यहाँ से पानी जो है बाहर निकल जाएगा, हवा के प्रेशर से उसमें प्रेशर बनाता है उसकी वजह से बाहर पानी निकल जाएगा उसमें भरा रहेगा तो हमारा रिटर्न नहीं आ पाएगा। इस तरह जब एक बार कंटिन्यू पानी बाहर निकलता रहे हवा के प्रेशर से निकल जाता है, लेकिन जो हमारा पाइप सीधा रहता है तो उस टाइम में क्या होता है बाहर की एयर को खींच लेता है, उल्टा खींच करके ये हमारा पानी अंदर ही लीक होगा, गिरेगा, स्मेल वगैरह आएगा, बैड स्मेल। इस तो यूट्रेप जो बनाने का मेन रीजन यही रहता है जो बाहर की स्मेल वगैरह को रोका जा सके और अंदर को पानी वगैरह जो ड्रेन रहता है ये आसानी से हमारा बाहर जा सके, लीक ना हो, ये सब हमारा यूट्रेप लगाने के बेनिफिट है, फायदा है यूट्रेप। इसमें जो साइज वगैरह देख सकते रहे किस तरह से लगाया जाता है, सक्शन साइज जो रहता है जो इस सिस्टम का ट्रे रहता है उससे थोड़ा यूट्रेप बड़ा बनाया जाता है जैसा कि आप देख सकते रहेंगे। तो वीडियो में हम यही बताना चाहते हैं यूट्रेप बनाने के क्या फ़ायदा है। एग्जांपल हमारा जो बाहर का स्मेल गंदा बैड स्मेल वगैरह रहता है कॉकरोच चूहा वगैरह उसे ड्रेन के माध्यम से अंदर नहीं आ पाएगा क्योंकि यूट्रेप बना रहता है उसके अंदर पानी ऑलरेडी भरा रहता है। अगर यूट्रेप नहीं बना रहेगा तो सीधा स्ट्रेट पाइप रहेगा तो पानी हमारा जो है कभी AC सिस्टम बंद हुआ AC बंद हुआ ब्लोअर बंद हुआ तो पानी जो हमारा निकल जाएगा तो पाइप खाली हो जाएगा, तो बाहर के जो भी स्मेल वगैरह रहता है उसके
रोजगार रहेगा अंदर आ जाएंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा सक करेगा, खींचेगा ब्लोअर का माध्यम से बाहर की हवा, जो भी बैड स्मेल वगैरह रहेगा, गंदा स्मेल रोक बाहर खींच करके रूम में फैला देगा, जिससे रूम में गंध आ जाएगा, फ्रेशनेस नहीं होगा, या फिर अंदर से जो पानी रहेगा बाहर नहीं जा पाएगा। तो ये सब चीज़ें सेफ्टी के लिए हमारा यूट्रेप बनाया जाता है, जैसा कि आप देख सकते रहेंगे। अगर आपको कुछ जानने सीखने को मिला है, अच्छा लगा है वीडियो, तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। हमने कहा था आपके हेल्प के लिए कुछ आइडियाज बताने वाले हैं, वो आइडिया ये है, हमें क्लाइंट कस्टमर बहुत से डायरेक्ट हमें कॉल करते हैं, कॉल देते हैं, बोलते हैं हमारे एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन कोई सा भी चीज़ है उसको रिपेयर करने के लिए हमें बुलाते हैं। तो हमने आइडियाज लगाया है आपके एरिया से, एग्जाम्पल आप यूपी दिल्ली बम्बई महाराष्ट्र कहीं से भी हैं, आप बिलोंग करते हैं, तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस जो भी रहता है वो हमें कमेंट में डाल दीजिए, जिससे आपके एरिया से कोई भी हमें क्लाइंट कस्टमर हमें कॉन्टैक्ट करेगा, कॉल देगा, तो हम आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो है उनको दे देंगे या उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देंगे, जिससे आपको एक्स्ट्रा ऑनलाइन जो है काम मिल जाएगा, आपका बिजनेस ग्रो हो सकता रहे, आपके हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको आइडिया अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करने के जो बेल आता है उसको ऑन कर दीजिए, जिससे कोई सा भी तरह से हम वीडियो बनाएं आपके हेल्प के लिए तो आपके पास भेज सके, आप भी सीख सके, देख सके, आप भी नए टेक्नीशियन नए लोग का हेल्प जरूर करें, यह वीडियो उन लोग पास शेयर करें जो एसी फील्ड में टेक्निकल वर्क में आना चाहते हैं, एक इंटरेस्टेड है काम सीखना चाहते हैं, आप भी नए लोग का हेल्प जरूर करें। आज आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।